को नवनीत का चैलेंज निर्वाचन हुवंतु सामना सामनी हनुमान चालीसा पढ़ीबा पाई 14 वर्ष जेल रहिबा पाई मध्य प्रस्तुत अन्य अत्याचार विरोध रे लड़ाई जारी रहिबो। हनुमान चालीसा पढ़ीबा को नहीं नवनीत राणा और तांको स्वामी का सह महाराष्ट्र सरकार को मध्य रे सृष्टि होइतेबा विवाद थमिबार ना नेउनी। महाराष्ट्र रे हनुमान चालीसा विवाद को नहीं गिरफ होइतेबा सांसद नवनीत राणा हॉस्पिटल रु डिस्चार्ज हेबा परे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को टारगेट करछंती। जदि दम अच्छी तेरे मुख्यमंत्री जे कोनोसी स्थानरु तांको सहित निर्वाचन लड़ंतु बोली चैलेंज देइछंती नवनीत। तो ठाकरे जी को भी बोलना चाहूंगी, इतना अत्याचार तुम्हारे पास पावर है, पावर का दुरुपयोग तुमने किया है, तो मैं आपको चैलेंज करती हूँ कि लोगों के बीच में आकर इलेक्शन लड़कर चुन के दिखाइए। महाराष्ट्र में कोई भी डिस्ट्रिक्ट आप चुनिए और लोगों की सेवा करके आना जिसे कहते हैं वहाँ खड़े रहिए, और आपके विरोध में आपके सामने मैं खड़ी रहूंगी और चुन के आपने दिखाना कि महिला ताकत के सामने और ईमानदारी और मेहनत के सामने किस तरीके से चुन के कौन आ सकता है। हनुमान चालीसा पढ़ीबा पाई 14 दिन कौन 14 वर्ष से जेल रे रही पारिबा पाई प्रस्तुत बोली दावा करिछंती सांसद नवनीत राणा। निज क्षमतार दुरुपयोग करी तांको उपरे अन्य अत्याचार करा जाइथिबार अभियोग करिछंती, तबे तांको सहित होइथिबा अन्य विरोध रे लड़ाई जारी रहिबो बोली गणमाध्यम सम्मुखरे प्रकाश करिछंती नवनीत राणा। आपने कंटेस्ट करिए और आपके सामने एक महिला खड़ी रहकर कंटेस्ट करके दिखाई दिखाइए महाराष्ट्र की जनता जिस तरीके से नाम के नाम पे और हनुमान के नाम पे जिस तरीके से इन्होंने मेरे पर अत्याचार किए हैं, इसका जवाब ये महाराष्ट्र की जनता इन्हें जरूर देगी। हनुमान चालीसा पढ़ीबा को नहीं नवनीत और तांको विधायक स्वामी रवि राणा महाराष्ट्र सरकार को मध्य विवाद सृष्टि होबा परे राणा दंपति को देशद्रोह अभियोग रे गत मास 24 तारीख रे मुंबई पुलिस गिरफ करथिला, तबे एहा परे तांको गत 4 तारीख रे शर्तमूलक जामिन छड़ा जाइछि। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्गस न्यूज़।